ऑन एन एवरेज जो भी हमारा रिक्रूटर होता है उसके पास सिर्फ 7 सेकंड होते हैं हमारे रिज्यूमे को जज करने के लिए, जिसमें से कि वो 2 या 3 सेकंड हमारे प्रोजेक्ट वाले सेक्शन को देगा और उससे वो डिसाइड कर लेगा कि इस बंदे का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट मुझे करना है कि नहीं करना है। तो ऐसे आप कौन से प्रोजेक्ट डालें जो कि आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करें और जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो वहां आप एक अच्छा खासा डिस्कशन कर पाएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको एक बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट बना देना है जैसे बाकी कहते हैं कि आप बिल्कुल कोई नई टेक्नोलॉजी जोड़ दें, नया सब कुछ ले आएं। अगर आप नया ही कुछ अलग से ले आएं फिर तो आपकी उसमें PhD हो जाएगी, तो आपको PhD नहीं करनी है। जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं जो एक्चुअल में अभी तक बनी हुई है आप उन्हीं का यूज करके उस प्रोजेक्ट को बना दें। ये आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा यूनिक है, अलग है दूसरों से। एक चीज और मैं जो आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपना प्रोजेक्ट किसी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाते हैं, जैसे आजकल ब्लॉकचेन का बहुत ज्यादा हाइप चल रहा है, अगर आप उसके ऊपर बनाते हैं कोई भी प्रोजेक्ट तो ये आपका श्योर कर देगा कि आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा अच्छे से। जब हम DSA की जर्नी शुरू करते हैं तो हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता कि प्रोजेक्ट वगैरह कैसे बनाने हैं। जब हम प्रोजेक्ट की बात सुनते हैं तो मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मैंने पूरे बीटेक में कभी प्रोजेक्ट नहीं बनाया, लेकिन जब मैं एमटेक करने आया तो जब मैंने सोचा कि यार प्रोजेक्ट बनाता हूं तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया कि यार कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, कहां से बनाऊं, क्योंकि हमें एक ऐसे रिसोर्स चाहिए जहां पे कोई बंदा वीडियो बना रहा हो और वो बोल रहा हो और मैं उसको टाइप कर रहा हूं। इस टाइप का हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है। ऐसे करके हम एज अ बिगनर एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब दूसरा ये हो सकता है कि अगर हमें फुल स्टैक का बनाना है, एंड्रॉइड में बनाना है, MLEI में बनाना है, ये इंडिविजुअल की चॉइस है आपको किस वे में और किस फील्ड में आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट की ओर बनाना चाहते हैं तो आपको HTML, CSS, फ्रंट एंड के लिए बूटस्ट्रैप वगैरह ये सब कुछ आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट बहुत नेसेसरी है, और बैक एंड के लिए भी आपको जावास्क्रिप्ट अगर आ गई तो आप एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा, आपको जो भी जनरल प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल नहीं बनाना है, जैसे TikTok हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, ये सिंपल प्रोजेक्ट है, ये सब के रिज्यूमे में प्रेजेंट है। जो रिक्रूटर है उसको ये प्रोजेक्ट आपके उसमें भी दिख गया तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करने वाला, आपको मतलब थोड़ा सा अलग बनना पड़ेगा। और हमारे पास हजारों प्रोजेक्ट है ना, आप उसमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको 5 प्रोजेक्ट बताऊंगा जो आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं और वो आपके रिज्यूमे की वैल्यू बढ़ा देंगे। मैं ब्लॉकचेन के ऊपर बताऊंगा आपको, एंड्रॉइड के ऊपर बताऊंगा, MLAI के ऊपर के प्रोजेक्ट बताऊंगा, काफी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अपने रिज्यूमे में बिल्कुल डाल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं उसका एक इंटरफेस बहुत ही अच्छा बनाएं, जो भी गुड इंटरफेस होगा ना आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? जो भी हमारा HR वगैरह होते हैं वो एक नॉन टेक फील्ड से होते हैं, जब भी आपका प्रोजेक्ट खोल के देखेंगे तो देखेंगे यार इस प्रोजेक्ट का ना इंटरफेस कैसा है। जब वो मतलब इंटरफेस समझ रहे हो, जब आपकी स्क्रीन खुलती है तो जो आपको दिखता है ऊपर ऊपर, अगर वो थोड़ा अट्रैक्टिव से लगा, उसे बैक एंड में कोई भी कोड हो, अगर आपने बहुत तगड़ा कोड करा ना, आपका जो फ्रंट एंड है वो बहुत ही बेकार अगर आपने बनाया है तो आप मतलब वो आपको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो काफी अच्छा सा लग रहा है, अट्रैक्टिव सा लग रहा है, तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वही मैं आपका कह रहा हूं, जो भी आपका इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा सा बनाए, मतलब थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, बूटस्ट्रैप वगैरह जो भी है उनको अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपका एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो प्रोजेक्ट रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट मेरा ब्लॉकचेन के ऊपर ही होगा। मैं चाहता हूं कि आप एक ट्विटर ऑलरेडी है, लेकिन इसको हम अगर ब्लॉकचेन की हेल्प से बना पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए डेप यूनिवर्सिटी में पिछले महीने ये प्रोजेक्ट बनाया है, आप इस वीडियो को बिल्कुल रिफर कर सकते हैं, इन्होंने काफी डेप्थ में चीजों को बताया है। अब आप पूछोगे भैया कि मुझे ब्लॉकचेन आती नहीं, क्या मैं सीधा प्रोजेक्ट बनाने चले जाऊं, तो मैं बोलूंगा आपको थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन आना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आप टेलिस्को सर का चैनल आप रेफर कर सकते हैं, इन्होंने काफी डिटेल में सब कुछ बताया है, मतलब 2 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ब्लॉकचेन का। मतलब ये नहीं कि आपने 2 घंटे देखा तो खत्म हो गया, 1 वीक लगेगा आपको मैक्सिमम और आपको ब्लॉकचेन का आइडिया हो जाएगी एक्चुअल में ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। अब आप ये मत सोचना कि जब आपके पास इंटरव्यू होगा तो वहां आपको क्या चीजें पूछा जाएगा, आपको वो बेसिक क्वेश्चन जो पूछेंगे वो आपको क्रिप्टोग्राफी वगैरह से पूछेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन में उनका यूज बहुत ज्यादा है। आपको पूछ सकते हैं पब्लिक की, प्राइवेट की, डिजिटल सिग्नेचर, इनके करीब करीब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पूछ सकते हैं कि ये आपने किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर यूज करा और आपने ये प्रोजेक्ट बनाया क्यों, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप नॉर्मल वेब डेवलपमेंट से ट्विटर का बनाते हैं वो ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन के हेल्प से वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि एक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, आजकल सब जाना चाहते हैं कि हाँ इससे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। तो सेकंड प्रोजेक्ट अगेन मैं डेप यूनिवर्सिटी से ही ब्लॉकचेन का उठाऊंगा, वो है स्पॉटिफाई का क्लोन। अगेन ये भी पूरा ब्लॉकचेन में बेस्ड है। अगर आप वीडियो को रिफर करते हैं तो उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया आप किस तरीके से प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, आपको करना है जो जो वो स्टेप वहां पे बता रहे हैं, आपको खुद कोड लिखना है, ये नहीं कि आपने उनका कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया सीधा, खुद लिखो, मतलब कॉपी पेस्ट कर दो लेकिन खुद करके लिखो, माउस से पूरा कॉपी और पेस्ट मत करना, खुद से लिखना ताकि आपको आइडिया लगे, और लेक्चर को आसानी से सुनना। ये सारे प्रोजेक्ट आपके 1 वीक पे बन सकते हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अभी मैंने आपको ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट बता दिए 2, अब मैं चाहता हूं कि अगर बाकी इनसे अलग आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि खुद आप अलग से दिखें, जैसे मान लो आजकल हमने देखा कि जो हमारे नेता लोग हैं वो कितनी फर्जी डिग्री लेके आ जाते हैं अपनी, अगर हम कोई ऐसा वो बना दें, एक ऐसा ब्लॉकचेन के ऊपर
प्रोजेक्ट बनाते हैं, देखो ब्लॉकचेन के ऊपर होता क्या है, एक बार हमने उस पर डेटा डाल दिया उस बाद वो डेटा डिलीट नहीं हो सकता है वहां से, ठीक है। अगर कोई डिलीट करने की कोशिश करेगा तो सबको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे करप्ट हो चुका है। तो वही मुझे करना है। अगर जब भी कोई बच्चा अपनी डिग्री पास आउट कर देता है किसी कॉलेज से तो वो उस ब्लॉक में ऐड हो जाए। हमने देखा होगा हमारे नेता क्या करते हैं, फर्जी डिग्री लाते हैं, कहते हैं मैंने 1970-1980 में मैं यहाँ से पास आउट था, और वहाँ के रजिस्टर में जाके अपने एंट्री चढ़ा देते हैं। यार ये सबसे इजी होता है, लेकिन ब्लॉकचेन में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर आप पास्ट में जाके वो चीज़ें चेंज हो जाती है तो आपके सारे ब्लॉक करप्ट हो जाएंगे और आप पकड़े जाओगे कि यहाँ पे जो ये वाला नोड है ये करप्ट है। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट के आइडियाज ले सकते हो, और ये एक इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट भी बन सकता है अगर आप सोचो इसके ऊपर। अगर आप बेसिक से सोचते हैं, अगर आप बिना ब्लॉकचेन के सोचते हैं तब तक बहुत बेसिक प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन अगर आप इसके ब्लॉकचेन की हेल्प से बनाते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं कि मैं ब्लॉकचेन के ऊपर और कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकता हूं, और ये आपके रिज्यूमे की वैल्यू जरूर बढ़ा देगा, क्योंकि आपने रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को लिया है। क्योंकि ये बहुत रियल प्रॉब्लम है कि जो भी फर्जी डिग्री वगैरह जो होती है वो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इसको हम इस ब्लॉकचेन की हेल्प से टैकल कर सकते हैं। जो थर्ड प्रोजेक्ट मैं आपको बोलूंगा वो कहूंगा रियल टाइम चैट ऐप। ये कोड विद हैरी भाई ने बताया है, ये मैंने खुद अपने रिज्यूमे में भी डाला था जो मैंने अभी प्लेसमेंट में बैठा था। लेकिन आप देखोगे तो 2 घंटे का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर आपको कुछ और चीजें भी करनी होगी। मैं चाहूंगा आप इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन खुद से लगाएं, मतलब जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट फॉर्म में यूज करें। उन्होंने सिंपल वे में बताया कि आप किस तरीके से मल्टीपल लोग एक बार में चैट कर सकते हैं एक साथ, लेकिन मैं चाहता हूं वो चैट इंक्रिप्टेड हो, कोई भी बीच में आके सुन न ले। जो भी एल्गोरिथम आप यूज करना चाहें, AES, सिमेट्रिक, मतलब जो भी आपको लगे सही सा वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब देखो प्रोजेक्ट सिंपल था, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा क्रिप्टोग्राफी घुसा दी तो अब इसकी वैल्यू फिर से बढ़ गई है कि हाँ इस बंदे ने थोड़ा सा अलग किया है, भीड़ से थोड़ा सा अलग किया है। तो इस तरीके से आप अपने इस प्रोजेक्ट की भी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आजकल हमने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी काफी बार चैट लीक हो जाती है। तो इस तरीके से कि हमें जो भी हम अगर इस रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को टैकल करते हैं कि हाँ ये मेरा ऐप है, ये रियल में काम करता है, और आप उसका कोड ओपन भी कर सकते हैं, मतलब ओपन सोर्स पर रख सकते हैं कि ये मेरा कोड है आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका एक प्रोजेक्ट का जो वैल्यू होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। चौथा है, ये मैं एंड्रॉइड बेस्ड प्रोजेक्ट बोलूंगा। इसमें रैंडम वीडियो कॉल, जैसे हमने अभी देखा है कि अगर हमने मान लो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि हमें इंग्लिश में बात करनी है किसी के साथ और हमें लोग नहीं मिल रहे हैं, तो एक आप इंग्लिश का ऐप खोल दो वीडियो कॉल का, ऐसी रैंडम वीडियो कॉल का के लिए बना दो। तो ये देख लो ये पूरा प्रोजेक्ट है जो बनाया गया है, इसको आप सिर्फ उन लोगों के लिए बना सकते हैं जिन्हें अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है ना। प्रॉब्लम तो है, आप मानते हैं कि नहीं मानते, मतलब बेसिक प्रॉब्लम है कि हमें लोग नहीं मिलते जो आपस में बात कर पाए, और जो भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट को बना के अगर आप चाहें इसको होस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी आप कमा सकते हैं, बहुत बेसिक सा फीस रखें और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं आप लोग। देखो आपने रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को लिया अगेन कि हाँ कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, और उसके साथ आप एक ऐप ले आए जिसमें आप रैंडमली एक दूसरे के साथ कोई भी बात कर सकता है आदमी, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने पांचवें प्रोजेक्ट की ओर। अगेन ये पांचवा प्रोजेक्ट हमने उठाया है कोड विद हैरी भाई के चैनल से। तो इसमें है कि हम प्रिडिक्ट करेंगे किसी भी हाउस के प्राइस को, ये ML बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। अब ये भी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि हमें पास्ट के रिजल्ट को देख के फ्यूचर के रिजल्ट को प्रिडिक्ट करना है। मतलब अभी कोई एक बिल्डर है, उसको जो भी जहां पे भी वो घर बना रहा है, मतलब वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि यहां के प्राइसेस अब क्या होंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस। तो वो सब एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, अगेन आपने एक कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये मेरे टोटल 5 प्रोजेक्ट हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें और करनी चाहिए। देखो आप एक रियल वर्ल्ड का इशू उठाएं और उसको ना मतलब कहीं से भी आप मतलब पहले आप अपने दिमाग में सोचें कि क्या प्रॉब्लम मेरे अगल बगल है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट को आप गूगल पे सर्च करें, आपको उससे रिलेटेड वीडियो पक्का मिल जाएगी यूट्यूब पे। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया, एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को लो, उसको सोचो, फिर उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बना दो। ये मत करो कि जो हर कोई बना रहा है वो बनाए, स्नेक गेम क्या फायदा है, मतलब सब बना रहे हैं उसको, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सब बना रहे हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट को ब्लॉकचेन में बना दो, उसकी वैल्यू क्यों बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना मैं भूलना के जा रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, इसको टैकल कैसे किया जाएगा। वो चीजें ना करें जो लोग कर रहे हैं। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में बिल्कुल प्रोजेक्ट बनाएं, ब्लॉकचेन में चाहता हूं कि आप सीखें। और एक चीज और कि हमें और ध्यान देनी है, जैसे हम फुल स्टैक करना चाहते हैं, मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा बिगनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको बहुत ज्यादा आता होगा, वो आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछने वाले इंटरव्यू में, ऐसे नहीं कि बहुत ही ज्यादा पूछ लेंगे। एज अ बिगनर उन्हें पता है कि आपको लिमिटेड ही आता होगा, ज्यादा फोकस DSA वगैरह पे ही होगा, लेकिन प्रोजेक्ट अगर आपको आते हैं तो आपके लिए अच्छे ही बात होगी। एक चीज और हमें ध्यान देना है कि आप बोलोगे भैया मुझे अगर फुल स्टैक पे बनाना है तो पहले मैं HTML सीखूं, फिर CSS सीखूंगा, फिर JavaScript, फिर इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। देखो यार मैं बोलूंगा आप ऊपर ऊपर पढ़ लें हल्का हल्का, उसके बाद आप सीधा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दे। ये मत करें कि पहले मैं पूरा HTML अच्छे से सीख लूंगा, पहले मैं पूरा CSS अच्छे से सीख लूंगा, पहले मैं पूरा JavaScript अच्छे से सीखूंगा, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। नहीं,
आपको ऊपर ऊपर आइडिया ले लेना कि ये प्रोजेक्ट ये है क्या, उसके बाद आपको सीधा प्रोजेक्ट बनाना शुरू करना है। जब हम प्रैक्टिकल में काम करते हैं ना, प्रैक्टिकली चीजों को करते हैं, तब वो चीजें हमें ज्यादा याद होती हैं। एज कम्पेयर टू हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक पे मास्टरी करे जा रहे हैं, टाइम का वेस्ट होगा। अगर आप 2-3 महीने आपको डीएसए करते हो चुके हैं, तो अब मैं चाहता हूं कि आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दें। अगर अभी तक आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाए अपने जो भी प्लेसमेंट सेशन के, मैं चाहूंगा कि आपको 10 प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। 10 प्रोजेक्ट मतलब टाइम ऑफ वेस्टेज है, कोई देखेगा नहीं कि इस बंदे ने 10 बनाए। 3-4 प्रोजेक्ट रखें, लिमिटेड प्रोजेक्ट होने चाहिए और क्वालिटी प्रोजेक्ट होने चाहिए। मैं आपको वही बोलूंगा, 3-4 प्रोजेक्ट बनाए, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लें। जो भी कॉर्नर केसेस से वो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ें, ताकि आप इंटरव्यू में ना फंस पाए। और जो भी प्रोजेक्ट मैं आपको बताएं आज के वीडियो में, ये सब एक एक वीक के प्रोजेक्ट है। अगर आप उनको अच्छे से ध्यान से देखते हैं, तो ये प्रोजेक्ट आप आराम से बना लेंगे अच्छे से। तो अब आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं सारे क्वेश्चन का जवाब आपको अपने कमेंट सेक्शन में दे देता हूं। और जो भी लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक मैंने कमेंट में दे रखा है, आओ फॉलो करें। तब तक के लिए बाय बाय।